नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी हो गई। जी हाँ, कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब विदाई की बेला है और आगे क्या कार्यक्रम चल रहा है, इस दौरान हम आपको बताने बैठे हैं कि शादी में आखिर क्या क्या हुआ, कौन कौन से मेहमान आए, शादी की पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। आगे बढ़ते हैं और इस खबर में बताते हैं आपको कि शादी हुई और शादी किस धर्षक के साथ हुई, शाही शादी हुई। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जो वहाँ की तस्वीरें आई थी जब तमाम नेता पहुँचे थे, लेकिन हालांकि बहुत सारे और भी लोगों को निमंत्रित किया गया था, वो लोग नहीं पहुँचे। पर कौन कौन लोग पहुँचे ये भी बताएंगे, और बताएंगे कि शादी में जो ये हाई प्रोफाइल शादी हुई थी इसके लिए भव्य इंतजाम किए गए थे। जब बारात निकली थी मोतिहारी से तो हाथी घोड़ों के साथ निकली थी, और दूल्हे राजा जब पहुंचे बारात लगी तो वहां भी भव्य नजारा था, भव्यता का खूब दर्शन हुआ इस शादी में। तो आपको बताएं कि जो दिवंगत बाहुबली नेता हैं आरजेडी के मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी बेटी हेरा साहब का निकाह मोतिहारी के डॉक्टर सैयद सादमान के साथ कल देर रात संपन्न हो गया। सिवान के प्रतापपुर गाँव में, जो शहाबुद्दीन का पैतृक गाँव है, वहां पर अब उसके बाद आगे की तैयारियां अभी चल रही हैं। कई सारे रस्म रीति रिवाज जो है वो निभाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चलते हैं आगे और थोड़ा सा शाही शादी का अंदाज आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या अंदाज रहा शाही शादी में। शाही शादी में सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, जिनकी चर्चा खूब हुई, और वो सबसे ज्यादा फोकस्ड रहे मेहमानों पर, तेजस्वी यादव। तो हम तेजस्वी यादव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो शादी में वो पहुंचे। उनके अलावे बहुत सारे मेहमान पहुंचे, हालांकि सीएम नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था। उसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया गया था, और उसके अलावा बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों को भी बुलाया गया था, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल थे, संजय दत्त भी शामिल थे, हालांकि वो नहीं पहुंचे। लेकिन जो पहुंचे उनकी हम बात करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन पहुंचा। तेजस्वी यादव इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, और जब यहाँ से वो शादी के लिए निकल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला था, और शादी में जब पहुंचे तो उनकी थसक भी देखने को मिली। जब बारात आ रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद थे वहां। तेजस्वी यादव ही नहीं, उनकी पूरी टीम, आरजेडी की पूरी टीम ही मौजूद थी, बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। तो कौन कौन लोग मौजूद थे ये आपको बताएं। तो तेजस्वी यादव के अलावा जो जाप सुप्रीमो है, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी थे, और पप्पू यादव के अलावा जो दानापुर विधायक है रीतलाल यादव समेत सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों के नेता मौजूद थे। तो आपको बताएं कि ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, कल उनका वलीमा यानी रिसेप्शन भी था, तो वो दोनों ही कार्यक्रम आयोजित था, और इन दोनों कार्यक्रमों में भारी भीड़ थी। तो आपको शादी में जो बड़े नाम जो शामिल हुए वो बताएंगे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, शादी की तस्वीरें आप देखिए, और शादी में क्या कुछ हुआ ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो बताएं कि तेजस्वी यादव के अलावा राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के अधिकांश एमपी और एमएलए, इसके अतिरिक्त जेडीयू के भी कई एमपी और एमएलए शादी में पहुंचे, जिसमें जेडीयू नेता और बिहार के नीतीश सरकार के मंत्री जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां भी शामिल थे। तो जेडीयू के भी कई नेता, मंत्री और विधायक जो है सांसद वो पहुंचे। उसके अलावा आरजेडी के तो तमाम आरजेडी का कुनबा मौजूद रहा शादी में। तो सिवान पहुंचने में रीतलाल यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, नीतीश कुमार के जो करीबी विधान पार्षद हैं राधा चरण सेठ, महाराजगंज के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और राजद के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह भी पहुंचे। तो और आगे थोड़ा और लंबी लिस्ट बताएं कि कौन कौन लोग पहुंचे थे, ये मेहमानों की लिस्ट आपको बता रहे हैं और शादी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कि शादी में किस तरह का की रौनक रही। शादी की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कल, तो ये तस्वीरें भी देखिए, ये खास तस्वीरें हैं शादी में। दूल्हा दुल्हन की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ मेहमानों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर से जो आरजेडी के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाही वो पहुंचे। आरा के जो विजेंद्र यादव हैं, के सिवान के सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी तो वहां बाकायदे मौजूद थे पूरे कार्यक्रम में, बाकायदे वो लड़की पक्ष की तरफ से लोगों का स्वागत कर रहे थे। विधायक बच्चा पांडे, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव, राजद के जिलाध्यक्ष समेत जो तमाम स्थानीय नेता थे वो मौजूद थे। और आपको बताएं कि जो समारोह के लिए जो फिल्म
जो फिल्मी स्टाइल में पूरे मंच को, पूरे शादी समारोह के सेट को बिल्कुल कहा जाए कि उसे सजाया गया था। पूरा घर और गांव बिल्कुल एक फिल्मी सेट की तरह नजर आ रहा था कल जो अंदाज था शादी का। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पैतृक घर जो प्रतापपुर में, कल का माहौल कुछ अलग ही था। हालांकि विदाई की बेला है, अब विदाई हो रही है, घर से बेटी विदा हो रही है, अपने ससुराल जा रही है, लेकिन शादी की जो रौनक थी वो बरसों बरस तक याद की जाएगी। शादी में जो आपको बताएं कि अतिथियों को 30 से 40 तरह के व्यंजन परोसे गए, जिसमें शाही बिरयानी, शाही कबाब, हैदराबादी बिरयानी, शाही पनीर, शाही तंदूरी, लखनवी टिक्का, हैदराबादी आलू बुखारा, लखनऊ का हलवा पूरी समेत कई तरह के व्यंजन शामिल थे। तो शादी सचमुच शाही रही। शादी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से मेहमान शामिल हुए। तो शादी की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।